अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, जिसकी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आती हैं। एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम बिल्कुल एज इट इज़ आएगी, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स होगी। आपको डिफरेंट कंपाउंड दिया जाएगा, उसकी आपको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर फर्थर जो इन्फॉर्मेशन आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और कार्बन 13 एनएमआर और कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो उसकी मदद से हमें सॉल्व की जाती है। जब ये आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी तो ये तकरीबन 5 to 6 मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, और इसको करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि ये इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझने वाला काम होता है। तो जैसे ही आपको ये एग्ज़ाम में दी जाए तो आप सबसे पहले इसमें इसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से इसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास कार्बन जो है वो 9 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। जब हमने इसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट की तो हमारे पास जो नंबर आया वो 5 आया, जिसकी हेल्प से मदद से हमें ये पता चला कि आया हमारे कंपाउंड में एक रिंग मौजूद हो सकती है और 3-4 पाई बॉन्ड्स मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बन है इसकी जो नंबर्स हैं वो 9 कार्बन्स हैं। अगर ये हमारे पास 6 से कम होता तो हम इसको ये कंसिडर नहीं करते। तो लिहाजा हमने हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की मदद से हमने ये जान लिया है कि हमारे पास स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स और कितने रिंग्स मौजूद हैं। अब हम फर्दर इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रम से हम इसको रीड करना शुरू करेंगे। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है आईआर स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि हमारे पास स्पेक्ट्रम की जो पीक्स आ रही हैं उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें उसकी इंडिकेशन करती है अपनी पीक से। अगर हमारी पीक्स जो हैं वो 800 से 1200 के मिड में आ रही हैं तो हमें जान लेना चाहिए, हमें पता चल जाएगा कि ये जो है CH2 की पीक्स हैं, क्योंकि ये इसी के दरमियान में इसी के मिड में आती हैं इस तरीके से करके। तो हमें इसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो पीक्स आ रही है वो यकीनन CH2 की है। फिर फर्दर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास 1600 से लेकर 2000 के दरमियान एक पीक आ रही है 1723 पर, ये वेव नंबर को इंडिकेट करता है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप पता चल गए, दो फंक्शनल ग्रुप पता चल गए, एक तो CH2 पता चल गया और एक हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप पता चल गया। फिर फर्दर जो 2000 से लेकर 3000 तक की जो पीक्स आती हैं वो हमें पता चल जाएगा कि ये CH3 पर ही आती हैं। अगर 2000 से 3000 के दरमियान में कोई पीक आए तो हम समझ जाएंगे कि ये CH3 की जो है वेव नंबर्स की पीक्स आ रही हैं। तो IR हमें फर्दर ये बता देती है। तो हमें इसकी मदद से ये पता चल गया कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी सिर्फ हमें ये पता लगा है, हमें कंफर्म नहीं है। फिर आगे हम आगे आएंगे। अब हम दूसरे स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। ये मास स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये भी हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है और ये हमें बताता है कि हमारे पास कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है वो आ रही है 134 पर, और उसके आगे जो पीक आ रही है वो 105 की आ रही है। तो जब हमने इसको 134 में से 105 को माइनस किया तो हमारे पास 29 नंबर आ गया। हम जानते हैं कि 29 जो है वो मास होता है इथाइल ग्रुप का, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें आया हो सकता है कि इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो हमें, और इथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है क्योंकि ऊपर जो पिक्स आ रही है वो एक CH2 की है और CH3 की है।
तो हमें ये अब थोड़ा कंफर्म हो गया है कि इसमें इथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। फिर हम इसको फर्दर 105 को 77 से माइनस कराएंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम फर्दर इसको माइनस कराते रहेंगे और हमारे जो हमें कंपाउंड्स के जो है अगर मास याद होंगे और हमने उसको कैलकुलेट किया होगा तो हमें इजीली पता चल सकता है कि हमारे पास जो ब्रेक हुआ हुआ कंपाउंड है वो क्या आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर 18 आता 28 की जगह तो हम जानते हैं कि 18 का जो मास है वो किसका होता है, H2O का होता है, तो हमें ये पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको माइनस करके फंक्शनल ग्रुप्स को ब्रेक करके, इसकी पिक्स को ब्रेक करके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्पेक्ट्रम की तरफ। थर्ड स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा कोई आपको सही से नहीं पता लग पाता है क्योंकि इसमें जो पीक्स होती हैं वो बिल्कुल मर्ज होती हैं और ये सिर्फ हमारे पास CH2 और CH3 और जो बेंजीन रिंग्स वगैरह होती हैं उसकी ये पीक्स बता देता है। तो अगर इसकी पीक्स यानी केमिकल शिफ्ट की जो पीक्स हैं वो 40 से 40 के दरमियान में 1 पीक आ रही है तो आप समझ जाएँ कि ये CH2 की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है। और अगर इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लाइंस आ रही हैं यानी इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो ट्रिपलेट है तो आप इसको समझ जाएं कि ये CH3 प्रेजेंस है, इस तरीके से मर्ज होंगे। अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट स्पेक्ट्रम की तरफ, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम की तरफ। ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसी से आपको ऊपर की जो हिंट्स मिली हुई होती हैं इसी से आपको कंफर्म होती हैं कि आए ये वाला फंक्शनल ग्रुप वाकई में प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की जो पीक आ रही है वो डबलेट है और ये आ रही है 1 से 2 के दरमियान में। तो 1 से 2 के दरमियान में हमेशा जो पीक आएगी, जो मल्टीप्लिसिटी आपको शो की जाएगी वो हमेशा हमेशा CH2 की होगी। तो आपको अब इससे ये कंफर्म हो गया कि CH2 की हिंट ऊपर भी थी, फिर NMR के इससे जो ऊपर था उसमें भी थी इसकी हिंट और यहाँ पर अब ये आपको कंफर्म हो गया कि आपके फंक्शनल ग्रुप में यानी आपके कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप CH2 का प्रेजेंट है। इससे आगे हम चलेंगे तो ये 3 से 4 के दरमियान में 4 की यानी क्वाड्रेट की मल्टीप्लिसिटी शो कर रहा है केमिकल शिफ्ट। तो हमें जब भी हमारे पास CH3 की आएगी, मतलब पीक्स जो CH3 की आती हैं वो क्वाड्रेट की ही मल्टीप्लिसिटी शो करती हैं। तो अगर जहाँ 4 लाइंस हो यानी तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम हो तो आप समझ जाएं कि ये हमेशा CH3 की ही पीक होगी। तो ऊपर के हिंट से आपको ये पता चल रहा था IR स्पेक्ट्रम से कि इसमें CH3 जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो गया कि CH3 प्रेजेंट है। अब इससे आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर 7 से 8 के दरमियान में आपके पास जो ये मर्ज यानी बहुत ज़्यादा पीक्स आ रही हैं यानी मल्टी पीक्स आ रही हैं, केमिकल शिफ्ट जो शो कर रहा है वो मल्टी पीक्स को शो कर रहा है। ये हमेशा बेंजीन की इंडिकेशन को, बेंजीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग मौजूद है। और हमें अपनी जो हमने हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट की थी उससे भी हमें ये पता चल रहा था कि हमारे जो कंपाउंड में उसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का जो नंबर था वो 5 था यानी उसमें 1 रिंग और 4 पाई बॉन्ड्स मौजूद थी। तो अब हमें यहाँ से ये कंफर्म हो गया है कि जो हमारे पास बेंजीन की रिंग मौजूद है CH3 मौजूद है और CH2 जो वो बनेगा तो हमारे पास इथाइल ग्रुप और इसकी इंडिकेशन हमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी में भी पता चल गई थी कि हमारे पास इथाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया। और यहाँ पर जो 7 से 8 के दरमियान में जो पीक आती है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी शो करती है और हमें ये भी पता है कि हमारे कंपाउंड में 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर ये पीक्स यहाँ से 8 से 9 के दरमियान में होती तो फिर हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता यानी COOH
एच का ग्रुप, लेकिन हमारे पास पीक्स जो हैं वो 7 से 8 के दरमियान में आ रही हैं, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि हमें CH3 CH2 इथाइल ग्रुप की प्रेजेंस मिल गई और हमें ये कंफर्म हो गया, तो हमने सबसे पहले इथाइल ग्रुप को ही हमने बना लिया है। फिर हमें पता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें IR और NMR से दोनों से हमें इंडिकेशन हो रही है, तो हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया। और बेंजीन रिंग जो है वो हमें इंडिकेशन हुई है, तो हमने बेंजीन रिंग बना ली है। जब हमने ये टूटे टूटे फंक्शनल ग्रुप्स को एक साथ जोड़ा, तो वहाँ पर जो कंपाउंड आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रम जो है वो हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में तो उसने बता दिया, अब क्या हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो आया वो सही बना है या नहीं, तो आप इसको काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से कार्बन के जो हैं वो नंबर्स 9 हैं, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कार्बन 9 है, और तो हमारे पास कार्बन जो है वो 9 हो गए। अब हम हाइड्रोजन्स को कैलकुलेट करते हैं। 2 और 3 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 10 हो गए, और ऑक्सीजन हमें 1 चाहिए था तो 1 वो यहाँ लग गया। तो इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है और जो हमारी प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गई है, और एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ यही तरीका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह एक और एग्जाम्पल से समझा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपना कमेंट बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और प्रॉब्लम आपको कैसी समझ में आई। अल्लाह हाफिज़।